दोस्तों स्वागत है आपका होम टापेस्ट चैनल पर। दोस्तों ट्रायंगल के इस लेक्चर नंबर 36 में आपको बताऊंगा कि मध्यक त्रिभुज क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मीडियन ट्रायंगल। मीडियन ट्रायंगल, इसके पहले देखिए मीडियन का अर्थात माध्यिका का 4 लेक्चर दे चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे सब वीडियो आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। ये माध्यिका का 5वां लेक्चर है, माध्यिका का 5वां लेक्चर है और ट्रायंगल का 36वां लेक्चर है। समझा नहीं, जितने कॉन्सेप्ट है सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए सब बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्यक त्रिभुज क्या होता है, क्या होता है, इससे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट निकलता है और इस पर आधारित किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, किसी भी एग्जाम में, चाहे वह बोर्ड का हो या कंपटीशन का हो। कंपटीशन जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, SSC में CGL हो गया, MTS हो गया, CHSL हो गया, बहुत एग्जाम है, सब में कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो आप चुटकियों में साफ करेंगे, कब, जब वीडियो को शुरू से अंत देखेंगे तब। ओके चलिए, ट्रायंगल वंगल क्या होता है बता चुके हैं, नहीं जानते जाके देखिएगा शुरू से सब वीडियो, इसकी मत करिएगा, गारंटी देता हूँ कि समझ में जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो एक कोई ट्रायंगल बना लीजिए आप, जैसे देखिए एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाता हूँ, एक बड़ा सा ट्रायंगल जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे, ये हो गया। अब इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए है, बी है, सी है, ठीक है ना, ए बी सी। अब माध्यक त्रिभुज मतलब तीनों भुजाओं की जो माध्यिका है, मध्य बिंदु है, उसको मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसे ये बोलते हैं माध्यक त्रिभुज, मीडियन ट्रायंगल। अब देखिए जैसे ए बी भुजा, इसकी माध्यिका मध्य बिंदु क्या है, ये है, बी सी का मध्य बिंदु क्या है, ये है, ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ये है, ध्यान दीजिएगा, ए सी का मध्य बिंदु ये हो गया आपका, ठीक। ये अब अगर इसको जो मिला देंगे तो वही बन जाएगा मध्यक त्रिभुज। जैसे देख रहे हैं आप, अगर इसको आप मिला दिए ऐसे और इधर से इसको मिला दिए, इधर से इसको मिला दिए, सुना कि नहीं, तो बन गया मध्यक त्रिभुज। अब इसका भी नाम दे दे रहा हूँ, देखिए क्या, ये मान लेता हूँ डी है और ये मान लेता हूँ ई, इसको मान लेता हूँ एफ, किसी को कुछ मान लीजिए, PQR मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वही मान लीजिए, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज आप ABC लिए, ABC लिए, यहाँ पर इसके मध्य बिंदु को मिला दिए, तो यही क्या हो गया, यही ट्रायंगल बना, यही क्या हो गया, मध्यक त्रिभुज, मीडियन ट्रायंगल। अब देखिएगा अगर ये तीनों मध्य बिंदु हैं तो आप जानते हैं मध्य बिंदु क्या करता है, भुजा को बराबर भागों में बांट देता है, यानी जितना है BF उतना है CF, ठीक, मान चलिए। उसके बाद ये भी मध्य बिंदु है, ये इससे भी बराबर भागों में बांटेगा, ये भी मध्य बिंदु है, ये इससे भी बराबर भागों में बांट देगा, सुना कि नहीं, क्योंकि जानते हो जो माध्यिका होती है भुजा को बराबर भागों में बांटता है उसे ही माध्यिका कहते हैं, किसी भुजा को जो रेखा बराबर भागों में बांटते उसे ही माध्यिका कहते हैं, माध्यिका का डेफिनेशन यही है। तो हो गया, ठीक ना। आप बताइए एक प्रमेय आपको बताए हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो यहां से बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये देखा BC, देखा ना BC, अब इसके समांतर क्या है, ये है, क्योंकि क्या है, ये तो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, और ये भी क्या है, मिड पॉइंट, ठीक, और ये भी क्या है, मिड पॉइंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु, ठीक हो गया। आप बताइए ये भुजा इसके समांतर और आधी होगी, तो BC का आधा क्या है, BF है और CF है, यानी इसके बराबर ये होगी कि नहीं, तो ये इस पर भी एक पाई दिखा दे रहा हूं, अर्थात DE बराबर BF बराबर FC, ठीक है ना। अभी यहां देख सकते हैं आप कि DE बराबर BF बराबर CF बराबर BC/2, यानी पूरे का आधा, ठीक है ना। ये इसी प्रकार अब देखिए ये मध्य बिंदु है कि नहीं मध्य बिंदु, तो ये जो होगी
ये तो इसके समांतर हो गई, समांतर हो गई कि नहीं आपकी, ये इसके समांतर हो गई। अब ये भुजा इसके समांतर होगी किसके, इसके समांतर होगी कि नहीं बताइए, इसके समांतर होगी, समांतर होगी। और क्या होगी, जो DF है AC क्या होगा, आधा होगा, होगा नहीं, वही कांसेप्ट से। अब की बार त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं के मध्य मिला दिए कि ये भुजा इसके समांतर आधी होगी, होगी सेम। आप लिखेंगे दूसरा क्या, दूसरा लिखेंगे यहाँ पे आप DF, DF बराबर DF यानी इस पर भी 3π, ठीक ना। अरे भैया दूसरे प्रश्न कर दें, बस बीचों बीच लगाओ, कहीं लगा दो, आप कहीं से कर सकते हैं, जैसे यही चीज, ये चीज यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यानी कहेंगे DF बराबर AE, क्या DF बराबर AE बराबर CE बराबर AC बटे 2, सुना नहीं, जितना कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ इतना कोई बताएगा नहीं आपको, टोटल फ्री है एकदम, ठीक ना, सब फ्री है। तीसरा क्या, सेम इसी प्रकार कि ये दोनों क्या, ये ABC त्रिभुज है। अरे भैया ट्रायंगल ABC है ना, मूल त्रिभुज यही तो है, मूल त्रिभुज यही है। अब इसमें देखो आपकी जो भुजा है इसके और इसके मध्य में मिला दिए, कहाँ गया ये, यहाँ यहाँ, तो ये क्या होगा, इसके बराबर इसके आधा होगा, BC AB का आधा होगा, AB का आधा AB है, AB होगा इसके बराबर, यहाँ से ये इसके बराबर होगी, और इसके क्या होगी, समांतर होगी, क्या होगी, इसके समांतर हो जाएगी, समांतर, ठीक ना, इसके समांतर ही हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, EF बराबर AD बराबर BD बराबर AB बटे 2, AB बटे 2, सुना है कि नहीं, क्या चीज़ है। तो अब देखते हैं, एंगल ले ले रहा हूँ, कोई एंगल भी आप ले सकते हैं, अगर बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं, आप जानते हैं, बताया गया कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं, किसी त्रिभुज की बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं। तो मान लीजिए किसी को, मान लीजिए कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो फ्री है मानने के लिए ना। अगर मान लीजिए इसको मान लेता हूँ अल्फा, इसको मान लिया क्या, अल्फा अल्फा, इसे क्या पढ़ते हैं, अल्फा अल्फा एक सिंबल है, ठीक ना। इसको मान लेता हूँ बीटा, क्या मान लेता हूँ, अल्फा बीटा, ठीक, और इसे मान लेता हूँ क्या, थीटा, कुछ मान लीजिए, अल्फा बीटा थीटा, या गामा भी मान सकते हैं, इसे बीटा पढ़ते हैं, इसे बीटा, इसे क्या बोलते हैं, थीटा। सबसे पहले आप बताएं, जब मैं हम आपको ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किए तो सबसे पहले सिंबल के बारे में बताए थे, ठीक ना। और एक ये सिंबल होता है, ये इस टाइप, इसको गामा कहते हैं, गामा, ठीक ना, मामा नहीं गामा। तो चलिए, अगर ये अल्फा बीटा या थीटा अल्फा बीटा हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जितने एंगल सबका हम नाम दे रहे हैं, अब इसी में से होगा। आप बताइए, यहाँ पर, यहाँ पर देखिएगा, इस भुजा DE के बराबर क्या है, DE के सामने कौन सा कोण है, ये कोण थीटा है, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, देख रहे ना। तो जो DE है, जो DE है, D के सामने क्या है, थीटा है, तो और DE BF के बराबर है और CF के बराबर है, तो यानी ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, सुना क्या थीटा हुआ। जिस भुजा के सामने जो कोण है, अगर उसी भुजा के सामने, यदि उसी की भुजा के बराबर कोई और भुजा है, तो उसके सामने वही कोण होगा, होगा कि नहीं। यहाँ जो ट्रायंगल बने सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, अभी सब लिख रहा हूँ, कुछ नहीं छूटेगा, टेंशन मत ले, कुछ छूटेगा नहीं। ये हो गया थीटा। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं लेता हूँ, देखिएगा ये देख रहा ना, DF इस भुजा के सामने क्या है, बीटा है। DF के सामने क्या है, बीटा है, और DF किसके बराबर है, AE के और CE के। तो AE ये भुजा, इसके सामने ये कोण क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। एक कांसेप्ट और उसको बता रहा हूँ, आप इससे भी कर सकते हैं, इसके अलावा एक कांसेप्ट और उसको बता रहा हूँ, ठीक ना। और देखिए CE इसके सामने ये चीज, ये भी क्या हो गया, बीटा हो गया, ध्यान दीजिएगा, हो गया बीटा। अब जो एंगल बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये सब बता रहा हूँ, कैसे मत लीजिए।
अब देखिएगा ये हो गया, ये हो गया, ये देख रहे हैं, ये बताओ ई एफ, ई एफ सामने, इस ई एफ के सामने कौन सा कोण है? अल्फा है, है कि नहीं अल्फा? ई एफ के सामने अल्फा है। ई एफ किसके बराबर है? ए डी और बी डी के। तो ए डी यानी ये इसके सामने, इस भुजा के सामने, इस भुजा के सामने ये कौन हो जाएगा? हो जाएगा नहीं? इसका नाम हो गया अल्फा। और बी डी, बी डी ये भी क्या हो गया? अल्फा। क्या हो गया? अल्फा। क्लियर? नामकरण कैसे कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप घूम जाएंगे, नाच जाएंगे इसमें, ठीक ना। अब बचा है अंदर वाला, ये तीनों त्रिभुज हो गए, अंदर वाला त्रिभुज क्या करना है? सेम वही कांसेप्ट लगा लीजिए, ठीक ना। यहाँ से ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया। आप बताइए ध्यान से कि इस भुजा, इसके सामने क्या है? अगर इस भुजा के सामने यहाँ पर थीटा है, इस भुजा के सामने यहाँ क्या हो जाएगा? ये ए भी तो थीटा हो जाएगा, हम बताए ना बराबर भुजा के सामने बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने इधर थीटा, इधर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी आम सामने कोण क्या हो गया? बराबर होंगे, ठीक। अब ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, अगर इस भुजा के सामने डी एफ सामने क्या है? बीटा है। तो डी एफ सामने इधर क्या होगा? इधर बीटा हो जाएगा, इधर भी बीटा हो जाएगा, लिख दीजिए ना, है ये भी क्या हो गया? बीटा हो गया, ठीक, बीटा, ओके। अब देखिएगा बचा ये एंगल, बताओ ई एफ, ई एफ सामने क्या है? अल्फा है। ई एफ सामने क्या है? अल्फा है। तो ई एफ सामने ये भी एंगल है, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आप क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। जितने एंगल हैं सबका नामकरण कर दिए, सबका नामकरण कर दिए, दिख रहा ना है? ठीक दिख रहा है। चलिए तो यहाँ से अब हम जो कॉन्सेप्ट इससे निकल रहा है उसको बता रहा हूँ, ठीक। पहला क्या कॉन्सेप्ट, जितने हैं सब लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें कई त्रिभुज बने। देखिए अगर त्रिभुज की बात करें तो कट बना, एक दो तीन चार, एक पूरा वाला पांच बना कि नहीं? पांच बन गया। लेकिन जो त्रिभुज देखिएगा यहाँ पर परिमाप क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या निकालेंगे सब बता रहा हूँ। ये जो छोटे त्रिभुज बने हैं चार, चारों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। चारों क्या होंगे? समरूप होंगे। चारों क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। इसके बाद आपको हम बताएंगे समरूप सर्वांगसम क्या होता है, क्लास टेंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्वांगसम समरूप, ठीक ना। तो चलिए यहां से पहले आप लिखिएगा एरिया, एरिया ए आर से एरिया, एक बार पूरा लिख दे रहा हूं, ठीक ना। एरिया ट्रायंगल एबीसी, एबीसी नहीं, एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ए डी ई बराबर एरिया, एरिया ट्रायंगल, सबको अलग लग रहा है, आपको दिक्कत नहीं है, एरिया ट्रायंगल बताओ जैसे है वैसे ये, तो बी डी एफ, बी डी एफ बराबर बराबर एरिया ट्रायंगल क्या, एरिया ट्रायंगल क्या? सी ई एफ, सी ई एफ बराबर एरिया, अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको डाउट ना हो कोई, लेकिन एरिया, एरिया वाला क्षेत्रफल, ट्रायंगल, ट्रायंगल सी कट हुआ जी, अच्छा ये तो हो गया ना सी वाला, लास्ट वाला बीच वाला बचा है, बीच वाला, तो इसका नाम डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, यानी जो ये छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं इनका क्षेत्रफल सब बराबर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का है इस त्रिभुज क्षेत्रफल, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, टोटल क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा टोटल, ठीक। तो ये है सबसे पहले जो यहाँ पे चार त्रिभुज बने, चारों क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। हम लिख दिए चारों क्या होंगे? समरूप होंगे। चारों त्रिभुज क्या होंगे? यहाँ पे जो छोटे छोटे वाले हैं सर्वांगसम, यहाँ पर लिखिए आप दूसरा, यहाँ पर लिख देंगे। अब समरूप कहो, लिख दीजिए हिंदी में या उसका सिंबल बना दो, पहले बार लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। लिखेंगे इसमें, इसमें सभी सभी छोटे छोटे त्रिभुज, सभी छोटे त्रिभुज समरूप और सर्वांगसम है, समरूप और सर्वांगसम, सर्वांगसम
समझ आया भैया, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, अभी पढ़ाने के बाद एक बार रिवाइज करा दूंगा। अब इसी को देखिए, अर्थात कर लीजिए आप, अर्थात करके ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई समरूप, ये समरूप का सिंबल है ये, ठीक ना। ट्रायंगल बी डी एफ समरूप, समरूप। ट्रायंगल सी ई एफ समरूप। ट्रायंगल डी ई, ठीक ना, ये इसमें का पहला हो गया। ये पार्ट कर सकते हैं आप, अगर इसको आप जो है ये, चलो ठीक, डाट दिखा दे रहा हूँ। अब इसे समरूप पढ़ते हैं, समरूप, समरूप ये सिंबल है, एक बार फिर से बना दें, देखिए ऐसे, ये समरूप का सिंबल है, ठीक ना। जैसे थीटा बीटा ये सब सिंबल है वैसे ही। और दूसरा क्या हो जाएगा आपको बताएं, आपको दूसरा हो जाएगा यहाँ से ये ट्रायंगल ए डी ई सर्वांगसम, ये सर्वांग, ये सर्वांगसम का सिंबल है, किसका है, सर्वांगसम का, ऐसे ठीक। ट्रायंगल बी डी एफ सर्वांगसम, ट्रायंगल सी ई एफ सर्वांगसम, सर्वांगसम ट्रायंगल डी ई एफ। तो देखिए समरूप ये हो गया, सर्वांगसम का सिंबल आपको बताया ना ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे, मतलब समरूप नीचे दो पाई हो जाएगा, समरूप नीचे दो पाई, वो ये हो गया सर्वांगसम। तो चलिए, सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं, ये कह सकते हैं, आगे आपको बताऊंगा, सुन लीजिए कि सभी सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं, लेकिन सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, इसको लिख लीजिए। लेकिन जब आपको समरूप सर्वांगसम पढ़ाऊंगा, इन दोनों संबंध बताऊंगा, तो वहां पे बता दूंगा, ठीक ना। चलिए, अब आपका जो तीसरा कॉन्सेप्ट है क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट यही है, इनका परिणाम देख रहे ना आप, लिख दीजिए त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या, किसी एक, सब बराबर है, किसी त्रिभुज का ये डी ई एफ कहिए, ए डी ई कहिए, सी ई एफ कहिए, बी डी ई एफ कहिए, कुछ कहिए, चारों से ठीक है, बराबर पूरे त्रिभुज का आधा, पूरे त्रिभुज के परिमाप का आधा, कहेंगे एक बट्टे दो, एक बट्टे दो गुणे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, परिमाप। अर्थात यदि पूरे त्रिभुज का परिमाप 50 है, तो इसमें से जिसका हो जाएगा किसी त्रिभुज परिमाप 25 हो जाएगा, 25 इसका, 25 इसका, 25 इसका, परिमाप मतलब बनाने में जो त्रिभुज लगा, सी त्रिभुज बनाने में कितना लगा, इतने इधर इतने इधर इतने इधर, परिमाप मतलब क्या, घेरा, उसको घेरने में कितना लगा, ठीक ना, वही होता है परिमाप, वही परिमाप होता है। से मान लीजिए एक खेत है, अब खेत को जानवरों से बचाना है, तो आरी आरी घेरने पर, कोई चाहे रस्सी लीजिए कुछ ले, घेरने के लिए कितना रस्सी लगेगा, वही परिमाप, वही परिमाप, ठीक। चलिए, परिमाप बोलते हैं पेरीमीटर अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, ठीक। चौथा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्षेत्रफल का, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर पूरे त्रिभुज का चौथाई, पूरे त्रिभुज चौथाई। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल बराबर एक बट्टे चार गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब क्या, एरिया, अंग्रेजी में जरूरी है जानिए एरिया, ठीक। अब देखिए, इसी को पूछ सकता है कि एक त्रिभुज में यदि माध्यिकाओं के मध्य, किस त्रिभुज की तीनों माध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज, और मूल, चलिए पूछ सकता है कि किसी त्रिभुज की तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, 1:4 होता है,
इसी को ORR आप दूसरे मेथड से ले सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जगह है, चलिए इसी को हम लिख दे रहा हूँ, लिख सकते हैं कि क्या DEF अनुपात है ट्रायंगल ABC दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का, तो ये क्षेत्रफल अनुपात होता है 1:4। अगर इसके मध्य बिंदु को फिर मिला दे तो उसका एक हो जाएगा, इसका 4, इसका 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर क्वेश्चन आपको बताऊंगा, पहले एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर इसको मैं रिवाइज कराता हूँ, ठीक है ना, नोट करिए आप। चलिए नोट कर लिए, चलिए अब इसको एक बार आपको हम रिवाइज करा दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कि मध्यक त्रिभुज क्या होता है। मध्यक त्रिभुज किसी त्रिभुज की तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उसे ही मध्यक त्रिभुज कहते हैं। तो आप मध्यक त्रिभुज मतलब बीच में, ठीक ना, तो DEF है ट्रायंगल, यही क्या है, मध्यक त्रिभुज है, मध्यक त्रिभुज हो गया। अब जब मध्य बिंदु को मिला दिए, जितने एंगल बने सबका नामकरण किए और किस भुजा के समांतर कौन सी भुजा है और किस भुजा के बराबर कौन सी भुजा है आपको दिखाए, ठीक है ना। आपको देखिए ये जो है, अगर ये ट्रायंगल है और ये इसके समांतर है, ये क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी, और तिर्यक ये संगत कोण से बराबर हो जाएगा। हम बताए थे ना, एक तो भुजा बराबर है, नहीं तो ये देखो दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा से क्या हो जाएंगी, संगत कोण बराबर होते हैं, बताए हैं। तो ये बीटा, ये भी बीटा, सेम उसी प्रकार से अगर देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये थीटा हो गया, तेरा ना, ये थीटा हो गया संगत कोण से। अगर ये ले लेते हैं ये वाला, तो बताइए ये दोनों को, अगर ये थीटा ये भी थीटा और ये अल्फा तो ये भी अल्फा, संगत कोण से हो गया। तो इस टाइप से आपको दिखाया गया कौन कोण किसके बराबर है, कौन भुजा किसके बराबर है। आपको बताया गया कि देखिएगा यहाँ से किसी त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। एक बार फिर से लिख लीजिए, इसको आपको बताएं, लिख लीजिए, लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, वहीं से ये लिखा गया है, उसी का होती है, लिख लीजिए ना। तो वहां से ये चीज लिख दी है, कौन भुजा किसके बराबर है आपको हम लिख कर बता दिए। इसके बाद इससे जो कॉन्सेप्ट निकला, क्या जो छोटे त्रिभुज बने हैं वो सब क्या है, समरूप है, सर्वांगसम है, और सबका क्षेत्रफल बराबर है, सबका परिमाप क्या है, बराबर है, इन सबका परिमाप, जितने त्रिभुज छोटे वाले दिख रहे हैं सबका परिमाप बराबर है। अब आप कह सकते हैं सर समरूप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो समरूप को अंग्रेजी में सिमिलर कहते हैं, सिमिलर जो आकार में जिनका समान हो, जिनकी आकृति क्या हो, समान हो, देखने में समान लगे, वही सिमिलर होता है, ठीक है ना। छोटे बड़े से मतलब नहीं है, बस छोटा बड़ा मतलब नहीं, बस देखिए दोनों सेम लग रहा है कि नहीं, देखिए जैसे वृत्त चाहे छोटा हो या बड़ा लेकिन देखने में सेम लगता है, वही सिमिलर है, क्या है, सिमिलर। सर्वांगसम बोलते हैं अंग्रेजी में कांग्रुएंस, क्या बोलते हैं, कांग्रुएंस, ये स्पेलिंग है, ठीक, कांग्रुएंस, CONGRUENCE, कांग्रुएंस, कांग्रुएंस माने सर्वांगसम और सिमिलर माने समरूप। यहाँ से देखे लिखे हैं कि जितने छोटे वाले त्रिभुज हैं सबका क्षेत्र बराबर है और सबका परिमाप भी बराबर है, लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि इनका परिमाप बराबर, इसका परिमाप बराबर, इसका परिमाप, सबका परिमाप बराबर है, और लिख दिए सभी त्रिभुज, सभी छोटे त्रिभुज क्या है, समरूप और सर्वांगसम है। अब इसी चीजों को देखो हम दो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं समरूप, क्या पढ़ते हैं, समरूप, इसको पढ़ते हैं सर्वांगसम, ठीक। इसके बाद जो छोटे त्रिभुज है, किसी भी छोटे त्रिभुज क्योंकि सब बराबर है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज का चौथाई होता है और परिमाप आधा होता है, यानी जितना बनाने में पूरा लगा है बड़ा वाला त्रिभुज उसका आधा बनाने में छोटा वाला लगेगा जितना बनाने में बड़का त्रिभुज लगा है, ठीक है ना, बड़े त्रिभुज को बनाने में जितना लगा है उतना ही उसका आधा कर देंगे तो छोटा लग जाएगा। तो ये था कांसेप्ट, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको हम इस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वीडियो इससे ज्यादा बड़ा हो रहा है लेकिन टेंशन मत लीजिए, सुनना आ रहा होगा ना, तो नोट कीजिए, इसके बाद आपको हम इस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी बताइएगा।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कैसे लगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, यानी मिला जुला के लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दीजिएगा। ठीक, चलिए नोट लीजिए इसको, चलिए नोट कर लिए। चलिए तो अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जस्ट इसके पहले आपको इसी पर आधारित जो कॉन्सेप्ट था उसको बताएं, अब उसी पर आधारित क्या है क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्या था सुनिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो छोटे वाले त्रिभुज का परिमाप, छोटे वाले त्रिभुज का परिमाप बड़े वाले त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथाई होता है। ठीक ना, तो आप कर लीजिए यहाँ पे, चूंकि चूंकि चाहे परिमाप लिखो चाहे क्षेत्रफल, पहले कोई दिख को लिख कर लीजिए, चूंकि त्रिभुज डी ई ई एफ और लगाने का ही तरीका जी जैसे लगाओ आप, त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर एक बटे चार पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये होता है। ठीक ना, ठीक। अब यहाँ से एक बटे चार गुणे बताओ इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, सत्तर, सत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर काट दीजिए दो से, पैंतीस बार जाएगा आएगा पैंतीस बटे दो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको काट देंगे और कटेगा तो दो एक दो दो चार दो पच्चीस दस इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, साढ़े बारह, साढ़े बारह सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से, तो इतने इसका होगा उतने सब बराबर होंगे, सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, लगाने का तरीका दूसरा क्या था, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड मेथड क्या है देख लीजिए, आप ऐसे लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी एफ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए बी सी, दोनों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है आप बताए थे एक अनुपात चार होता है, होता है कि नहीं, तो बताइए चार अनुपात, यहाँ पे चार इसका दिया है, दिया है तो चार अनुपात बराबर कितना दिया है सत्तर, तो यहाँ सॉल्व करके एक अनुपात का मान कैसे निकालेंगे, सत्तर बटे चार बराबर बढ़ दोनों पाँच सेंटीमीटर, आया कि नहीं, तो भी आंसर आ गया इसका, आ गया बढ़ दोनों पाँच सेंटीमीटर इसका, यहाँ से अगर इसका दिया रहेगा डी ई एफ का अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसमें चार से गुणा कर देंगे पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। मान लीजिए अगर डी ई एफ का क्षेत्रफल पाँच हो तो पूरे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाँच चौक बीस हो जाएगा, है निकाल लेंगे ना। चलिए और ये तो पहला हो गया, दूसरा परिमाप लिखेंगे, चूंकि चूंकि क्या लिखेंगे, ट्रायंगल डी ई एफ का परिमाप बटे बराबर एक बटे दो गुड़े गुड़े त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ये तो कुछ नहीं करना है यार, देखो एक बटे दो इसका परिमाप कितना है, यहाँ देखिए चालीस है तो चालीस कर दीजिए, काट दीजिए दो के दो बीस बार जाएगा आगे कितना बीस सेंटीमीटर, बीस सेंटीमीटर बताते ना, पूरे का आधा कर देंगे तो छोटे वाले त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा, अगर छोटे वाले का परिमाप दिया होता दस तो पूरा कितना हो जाता है बीस हो जाता परिमाप। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, अभी ये क्वेश्चन आपको और बताऊंगा, ठीक है ना, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगा रहा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बोलिएगा मत, बार बार बोलते हैं, ठीक नोट कीजिए आप, चलिए नोट कर लिए। तो चलिए देखिए अब आप इस वीडियो में बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए, सब प्रैक्टिस कराऊंगा, जितने काम बताऊंगा सब पर प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी देखिए आप चुटकियों में आंसर निकालेंगे, चुटकियों में बस वीडियो को देखिएगा आराम से, ठीक ना। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो नंबर एक त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसका, दूसरा चतुर्भुज पी क्यू आर ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पी क्यू आर ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है, मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु, क्वेश्चन का है ना, और ये सब क्या है मध्य बिंदु है। तो मान लेता हूँ अगर ये इसको एक एक के अनुपात में मिला करता है इसका अनुपात, ठीक ना, तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, कुल कितना होगा एक दो तीन कैन हो गए चार, जो डी ई ए एफ का क्षेत्रफल हुआ चार अनुपात में हो गया, हो गया। अब चार ये हो गया, चार ए भी हो जाएगा और चार ए भी हो जाएगा और चार ए भी हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे हल में, लिखेंगे त्रिभुज
पी क्यू आर, अनुपाते त्रिभुज डी ई एफ, अनुपाते त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट ये समझिए, त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल का अनुपात है एक है, कितना है एक, और डी ई एफ, डी ई एफ एक दो तीन चार वर्ग नहीं आपका तो चार, और ए बी सी बताओ पूरे त्रिभुज में चार ये चार ये चार ये चार ये कितना हो गया सोलह ना, सोलह, यानी ये था इनके अनुपात, इनके अनुपात ठीक। यानी अगर ये जितना होगा उसका चौथाई निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका चौथाई निकालेंगे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, समझ में आया नहीं। अब भुजा दिया है तीनों, तो पहले हीरोन के सूत्र से पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो, अगर पूरे का क्षेत्रफल पता हो तो निकालेंगे नहीं, अगर इन तीनों में से किसी का क्षेत्रफल पता हो तो किसी का पूछे निकालेंगे, अगर इसका पता हो तो इन दोनों को ज्ञात कर सकते हैं, इसका पता हो तो इन दोनों का, इसका पता हो तो इन दोनों का, जब तीनों भुजा दिया है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। तो आप कहिए त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर क्या, ध्यान दीजिएगा डॉट लगा रहा हूँ, डॉट हीरोन का सूत्र से, किससे हीरोन, पहले आप यहाँ से ये क्वेश्चन आप हम बार बार लगवाए हैं, इसका क्षेत्रफल आएगा कितना, चौरासी, चौरासी ही आएगा, तो इसका क्षेत्रफल जब सॉल्व करेंगे ऐसे आप यहाँ पे देखिएगा यस निकालेंगे, यस का मान आएगा कितना 13 + 14 + 15 / 2 बराबर 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फार्मूला होता है यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, ये फार्मूला होता है, ये ए हो गया मान लीजिए, ये बी ए सी कोई मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसे सी मान लेता हूँ, यानी ए बी जो है उसको ए भुजा मान लेता हूँ, तो यहाँ पर रख देंगे आप, हल कर देंगे रख करके, यस कितना 21 माइनस, देखो ध्यान दीजिएगा डाट लगा रहा हूँ मैं, डाट गुड़े या गुड़ा है 21 में से 13 घटाओ 8 आ गया, गुड़े गुड़े 21 में से 14 घटाओ 7 आ गया, गुड़े 21 में से 15 घटाओ 6 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया जानते हो, देखिए इसे 7 गुड़े 3 लिख सकते हैं और गुड़े 8 गुड़े 7 इसे लिख सकते हैं 3 गुड़े 2, ये दो बार 12 आ गया, 3 दो बार 12 आ गया, और 8 दुनी 16 होता है, 8 दुनी 16 होता है, गुणा करने के बाद आएगा है ना 16, 16 और मूल 4 होता है, 4 गुणा कर दो 7 + 3 = 84 आया कि नहीं, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया क्षेत्रफल, दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेंगे ठीक ना भाई, सबका निकाल सकते हैं, अगर इसका तीनों भुजा दिया होता है इसे क्षेत्रफल निकाल लेते इसी फार्मूले से, इस फार्मूले से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पर देखिएगा 16 अनुपात बराबर कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख रहे ए बी सी क्षेत्रफल इतना है और अनुपात में 16 है, 16 अनुपात बराबर 84, तो यहाँ से एक अनुपात का मान नहीं निकाल पाएंगे, हो जाएगा 84/16 काट दो, कैसे काट देंगे 4 से, 4 दुनी 8 4 × 4 4 × 16 आया कितना 21/4 एक अनुपात मान क्या आ गया 21/4 यानी इसका जो क्षेत्रफल आया, इसका जो क्षेत्रफल आ गया आ गया कितना 21/4 तो आप लिख देंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, का क्षेत्रफल बराबर क्या देखिएगा, लिखेंगे 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में स्क्वायर जरूर लगाते हैं पर आप में नहीं लगाते हैं, क्षेत्रफल को अंग्रेजी बोलते हैं एरिया पर आप बोलते हैं पेरीमीटर, ये सब बताया गया। दूसरा क्या है, ये तो पहला सवाल हो गया आपका, पहला आंसर आ गया, दूसरा देखिए चतुर्भुज पी क्यू आर ई का क्षेत्रफल बताओ, इस चतुर्भुज में कितना आ रहा है, दो आ रहा है, एक अनुपात ये एक अनुपात ये, दो त्रिभुज आ रहे हैं, इसका भी 21/4 इसका भी 21/4 दो त्रिभुज आ रहे हैं, दो अनुपात हुआ, लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या पी क्यू आर ई, आर ई का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर क्या है, दो अनुपात, अनुपात में दो बराबर क्या, दो अनुपात, अब एक अनुपात मान पता है,
आप बगल लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाइए अभी आप निकालिए, निकालना है। तो दो अनुपात आ रहा नहीं क्या, पी क्यू आर ई, ये अनुपात कितना है, दो अनुपात, तो दो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, दो गुणे इक्कीस बट्टे चार, काट दीजिए दो एक के दुई, दो बार जाएगा आया इक्कीस बट्टे दो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इक्कीस बट्टे दो सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इससे तो मैंने दो त्रिभुज आ रहा ना, तो निकाल लेंगे। अगर ऐसे बड़ा वाला पूछता डी एफ ई ए का तो कोई दिक्कत नहीं, चार ये चार ये आठ हो जाता, अगर एक अनुपात बराबर इतना है कितना एक अनुपात बराबर इतना है तो आठ अनुपात बराबर क्या हो जाता, आठ से उल्टा कर देते आ जाता बयालीस, कितना बयालीस आ जाता, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, बार बार आप कह रहे हैं क्योंकि आप लोग क्या इग्नोर कर देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, है ना, नहीं सब्सक्राइब कीजिए जरूर, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।